हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ खस्ता चटपटे काजू नमक पारे की रेसिपी शेयर करूंगी। चलो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है। वजन में जे 120 ग्राम है। इसके बीच हमने 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। 1 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हमने हाथों से क्रश करके लेना है। अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम इसके बीच तेल ऐड करेंगे। हमने 2 चम्मच तेल के लिए है। आप इसके बीच घी भी डाल सकते हैं। इसके बीच मोइन डालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही खस्ता और अच्छे बनते हैं। अब हम इसको हाथ में लेकर चेक कर लेते हैं। एक मुट्ठी बनाकर देखेंगे। देखिए हमारी मुट्ठी बन रही है। हमारा आटा परफेक्ट हो गया है। अब हम इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को अच्छे से मलेंगे। अच्छे से मसलते हुए आटे को गूंद लेंगे। इसके बीच एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि इसका आटा बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। अगर हमारा आटा अच्छा नहीं लगेगा तो हमारे नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारा आटा जो है परफेक्ट हो। देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंदकर तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको कपड़ा लगाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट कर रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने आटे को देखेंगे। पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। 2 पार्ट में हम इसको कट कर लेंगे। नमक पारे बनाने के लिए हमने इसके बीच 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले कि इसके बीच हम जो मोइन डालते हैं वो बिल्कुल सही मात्रा में हो, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम हो। इससे हमारे नमक पारे अच्छे बनेंगे। सेकंड, हमने आटा लगाते समय खास ध्यान रखना है कि आटा हमारा बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। यदि हमारा आटा अच्छा लगेगा तभी हमारे जो नमक पारे हैं अच्छे बनेंगे। नमक पारे बनाने के लिए हम एक बेलन की सहायता से रोटी को बेल लेंगे। रोटी का साइज हमने बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। नॉर्मल रोटी बनाते हैं जो, उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे। देखिए इतना सा मोटा रखना है। काजू की शेप में कटिंग करने के लिए हमने एक कैप लिया है। आप भी किसी भी बोतल या किसी भी डिब्बे का कैप ले सकते हैं। इस कैप की सहायता से हम अपने काजू की शेप में ये नमक पारे कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम अपने सभी नमक पारे कटिंग कर लेंगे। देखें हमारे नमक पारे इतने अच्छी से कटिंग हो गए हैं। इसी तरह से हम सभी नमक पारे कटिंग कर लेंगे। चलिए अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक बार में हम सारे नमक पारे फ्राई नहीं करेंगे। इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे नमक पारे अच्छे से फ्राई हो सकेंगे। देखिए इनका कितना अच्छा कलर आ गया है। हमारे नमक पारे पक चुके हैं।
अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही खस्ता और क्रंची नमक पारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम अपने सभी नमक पारे तैयार करेंगे। देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो हम इसके बीच और मसाले डालकर इनको और भी तीखा और अच्छे बना सकते हैं, खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। हमने इसके बीच आधा चम्मच चाट मसाला डाला है, 1/4 नमक, 1/4 लाल मिर्च पाउडर और 1/4 काला नमक। हाथ की सहायता से हम इसको मिक्स करेंगे। काजू नमक पारे बनाना बहुत ही आसान है और ये कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। हम इनको एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर कई महीनों तक रख सकते हैं। आपका जब भी मन करे इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट कर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।